अलवर जिले में राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा एसटी आरक्षित सीट है। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। मौजूदा विधायक जोहरीलाल मीणा को आशंका है कि कांग्रेस टिकट काट कर मांगीलाल मीणा को टिकट देने वाली है। इसी को लेकर जोहरीलाल मीणा समर्थकों के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के निवास पर धरने पर बैठे हुए हैं। मांगीलाल मीणा सार्वजनिक निर्माण विभाग से रिटायर हुए हैं। विधायक का आरोप है कि मांगीलाल न तो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं बल्कि उनकी पत्नी मीरा देवी कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़कर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की रैणी पंचायत समिति से प्रधान है। साथ ही उन्होंने ये भी बात बताई कि उन्हें लगता है कि पार्टी उनका टिकट काट कर मांगीलाल मीणा को देने जा रही है और इसके लिए मांगीलाल मीणा ने 10 करोड़ रुपए में डील फाइनल की है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मेरा टिकट काटने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की साजिश है। बूढ़े होने के बाद भी मेरे ऊपर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया। उन्होंने मांगीलाल मीणा पर भ्रष्टाचार समेत कई आरोप लगाते हुए कांग्रेस खेमे का पर भी आरोप लगाए हैं। जोहरीलाल मीणा आज यहाँ अलवर के फूलबाग पर भंवर जितेंद्र सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रभारी भी रहे हैं एमपी के, उनके पास यहाँ पहुँचे हैं सब बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर के। उनसे जानते हैं क्या मांग को लेकर के आए हैं, क्या विरोध प्रदर्शन है। प्रदर्शन ये है कि मुझे टिकट नहीं मिला, गलत आज में टिकट मिल गया जो से मैंने फिर नौकरी छोड़ के आया है। उन्होंने पीडब्ल्यू में एक्शन रख करके भारी पैसे घुमाए, तो मैं हमारी जनता ये सोचती है और ये भावना है कि वो पैसे के बलबूते से टिकट ले आए हैं। यदि पैसे के बलबूते से टिकट नहीं लेता तो मुझे नहीं देता, मेरे कार्यकर्ताओं को देते और जो कांग्रेस के लोग थे जो 20-20 साल 30-30 साल से कांग्रेस में काम कर रहे हैं उन लोगों को देते। हमको क्यों नहीं, उसको क्यों दिए टिकट? मूल कार्यकर्ता को छोड़ करके बाहरी व्यक्ति को दिया जा रहा है, बाहर के आदमी को जो कि अभी कांग्रेस का आज ही मेंबर नहीं है, आज भी कांग्रेस सदस्य नहीं है। तो मैं ये अपना रोष प्रकट करने के लिए मेरे नेताओं को बताने चाहूँगा कि इस तरह का जो काम किया है, 2013 में मेरे साथ अन्याय की थी और जब उसका जमानत जब्त हुई थी और वही वातावरण अब किया, अभी जमानत जब्त होगी। अभी आप जितेंद्र सिंह जी के यहाँ पर आए हैं, क्या बातचीत भी हुई है आपकी? नहीं, भावर साहब की मेरी बातचीत सुबह हुई थी, उन्होंने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। नहीं प्रयास क्यों, वो तो प्रयास क्या करते और वो दिलाना चाहते थे पहले ही दिला देते, वो तो मुझे राज्य करने के लिए और मुझे बावला बना के नहीं लेगी बात की। मैं प्रयास कर बड़े आरोप लगाए कि आपके साथ बीजेपी वाले ही नुकसान करते हैं, आपके साथ कांग्रेस वाले लोगों ने भी कांग्रेस ने नुकसान किया है। मुझे कांग्रेस ने नुकसान किया है और उन कांग्रेस वालों को मैं बता दूंगा जिन्होंने मेरे नुकसान किया उनको मैं बता दूंगा, उनको रजिस्ट में दे दूंगा, चिंता मत करूँ। मैं अभी नाम नहीं बताऊँ, रजिस्ट दे दूंगा रजिस्ट। हमारे साथ जोहरीलाल मीणा जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका टिकट जो काटा गया है वो कहीं ना कहीं किसी राजनीति के चलते कटा है और उसको लेकर के ही वो यहाँ भंवर जितेंद्र सिंह के निवास पर पहुंचे हैं और यहाँ पर विरोध करने के लिए आए हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है। अभी फिलहाल वो यहाँ पहुंचे हैं और अभी क्या वार्ता होती है उसके बाद ही बात सामने आ पाएगी कि टिकट क्यों कटा और किस तरह का इनका आगे विरोध रहेगा।